हेलो नमस्कार। क्या हो कि अगर जिसके बारे में कोई फेक न्यूज़ फैला रहा हो और वो इतनी फेक न्यूज़ फैला दे, इतनी फेक न्यूज़ फैला दे कि जिसके बारे में वो बातें हो रही हो फेक, उसे खुद आकर के कहना पड़े कि भाई शांत हो जाओ, काम डाउन, इतनी फेक न्यूज़ मत फैलाओ। वैसा ही कुछ हुआ है। हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों से, आप कह सकते हैं एक दो दिनों से, जो है एक टॉपिक बहुत चर्चाओं में बना हुआ है, वो है राहुल वैद्या को लेकर के। बहुत आप कह सकते हैं अच्छे से खेल रहे हैं बिग बॉस में, पॉपुलर होते जा रहे हैं। उन्होंने एक और अपना एक प्यारा सा दाव चला, दाव नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे था उनकी दोस्त का, दिशा का, और उन्होंने बिग बॉस के घर में नेशनल टीवी पर उन्हें प्रपोज कर दिया। अभी तक दिशा का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि उन्हें क्या उन एक्सेप्ट है नहीं है, लेकिन फेक न्यूज़ चलनी वायरल हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रेज या आप कह सकते हैं दर्शकों के सामने गिराना चाहते हैं। तो एक ट्विटर पे ट्वीट वायरल हो रहा था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, हज़ारों में लाइक्स आ रहे थे, रीट्वीट्स हो रहे थे। दिशा परमार इज इंगेज्ड, ऑलरेडी इंगेज्ड टू राहुल वैद्या इवन बिफोर राहुल एंटर्ड द बिग बॉस हाउस। तो दिशा परमार को कहना ही पड़ा, काम डाउन एंड स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, ये फेक न्यूज़ फैल रही थी, बहुत फैल रही थी कि राहुल ने जो है एक्टिंग किया घर के अंदर पॉपुलैरिटी के लिए, अपना लव एंगल दिखाने के लिए, उन वो और दिशा जो है पहले से इंगेज्ड है। तो ये जो न्यूज़ थी, जब बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई ना, तो दिशा को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाई इस तरह से जो है आप लोग जो है फेक न्यूज़ फैलाना बंद कीजिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये जो फेक न्यूज़ फैल रही ना कि पहले से इंगेज्ड है, वैसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, आपको क्या है कहना इन फेक न्यूज़ के बारे में, और जो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रेज करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी थी, पहले ही हो चुके थे इंगेज, इस तरह से। वेल, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।